नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम भक्ति के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जो आपको नहीं पता होंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ सेवा करना या भजना है, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति। महर्षि व्यास ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा है। भारतीय धार्मिक साहित्य में भक्ति का उदय वैदिक काल से ही दिखाई पड़ता है। भक्ति एक ऐसा आभूषण है जिसे पहनकर परमात्मा से मेल के मार्ग स्वतः ही खुलने लगते हैं। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे और एक कथा द्वारा भक्ति में शक्ति का सरल और स्पष्ट उदाहरण भी देंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, भक्तराज अम्बरीश महाराज नाभाग के पुत्र थे। वे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे। संपूर्ण ऐश्वर्य के अधीश्वर होते हुए भी संसार के भोग पदार्थों में उनकी जरा भी आसक्ति न थी। उनका संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित था। जो अनन्य भाव से भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है, उसके योग क्षेम का संपूर्ण भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए महाराज अम्बरीश की सुरक्षा के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था। सुदर्शन चक्र गुप्त रूप से भगवान की आज्ञानुसार महाराज अम्बरीश के राजद्वार पर पहरा दिया करते थे। एक बार महाराज अम्बरीश ने अपनी रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए वर्ष भर की एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। अंतिम एकादशी के दूसरे दिन भगवान की सविधि पूजा की गई। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और उन्हें वस्त्राभूषणों से अलंकृत गायें दान में दी गईं। तदंतर राजा अम्बरीश पारण की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे। अतिथि प्रेमी महाराज ने उनका अतिथि सत्कार करने के बाद उनसे भोजन करने के लिए निवेदन किया। दुर्वासा जी ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और मध्याह्न संध्या के लिए यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी मात्र शेष थी। द्वादशी में पारण न होने पर महाराज को व्रत भंग का दोष लगता, अतः उन्होंने ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान का चरणों का जल पान कर लिया और भोजन के लिए दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी जब अपने नित्यकर्म से निवृत्त होकर राजमहल लौटे, तब उन्हें तपोबल से राजा के द्वारा भगवान के चरणामृत से पारण की बात अपने आप पता चल गई। उन्होंने क्रोधित होकर महाराज अम्बरीश से कहा, मूर्ख, तू भक्त नहीं ढोंगी है। तूने मुझ अतिथि को निमंत्रण देकर मुझे भोजन कराने से पहले ही भोजन कर लिया, इसलिए मैं शक्ति के द्वारा अभी तुझे नष्ट कर देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दी, जिससे कालाग्नि के समान एक ज्वाला उत्पन्न हुई। वह भयानक ज्वाला अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। उसके अम्बरीश तक पहुँचने के पूर्व भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। ज्वाला को समाप्त करके सुदर्शन चक्र ने मारने के लिए दुर्वासा का पीछा किया। दुर्वासा ऋषि अपनी रक्षा के लिए तीनों लोकों और 14 भुवनों में भटके, किंतु भगवान और भक्त के द्रोही को किसी ने भी आश्रय और अभय नहीं प्रदान किया। अंत में दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने भी उनसे कहा कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मैं भी आपकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। आपकी रक्षा का अधिकार केवल अम्बरीश को ही है, अतः आपको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए।
अंततः दुर्वासा व्याकुल होकर अम्बरीश की शरण में गए और पहुंचते ही उनके चरण पकड़ लिए। अम्बरीश उनकी प्रतीक्षा में तभी से खड़े थे जब से चक्र ने उनका पीछा किया था। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और महर्षि दुर्वासा को क्षमादान दिलाया। यह है भगवान के भक्ति की शक्ति और भक्त की करुणा। दुर्वासा ऋषि भगवान के भक्ति की शक्ति को प्रणाम करके अम्बरीश का गुणगान करते हुए तपस्या हेतु वन को चले गए। इससे हमें स्पष्ट होता है कि भक्ति तर्क पर नहीं, श्रद्धा एवं विश्वास पर अवलंबित है। पुरुष ज्ञान से भी अधिक श्रद्धामय है। मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही बन जाता है। इससे भी अधिक सत्य इस कथन में है कि मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है उसी के अनुकूल और अनुपात में उसका निर्माण होता है। यह प्रेरक भाव है, विचार नहीं। इसलिए भक्ति जितनी आपकी प्रेरणा व भावनाओं से भरी होगी उतनी ही सफल भी होगी। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।